तो ये 1 किलो मेथी हमने बहुत अच्छे से साफ करके और धूप में सुखा के ले लिए हैं। अब इसको मैं मिक्सर में पीस लूँगी, अदर दरा सा जैसे रवा पीसते हैं, और फिर इसको दूध में भिगो दूँगी। ये हमने मिक्सर पे मेथी पीस ली है, और अब उसमें मैं लुक वार्म हल्का गुनगुना सा दूध डालूंगी। ये अभी रात के 9 बज रहे हैं, इसको रात में मैं भिगाऊंगी, तो ये पूरी रात दूध में भीगेगा, और मेथी मेथी जो है वो दूध में रात भर भीगने से इसकी कड़वाहट कुछ कम हो जाएगी, ख़त्म तो नहीं पर कम हो जाएगी। इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा दूध डाल के ऐसे, अब इसको पूरी रात हम ढक के रख देंगे, कुछ 12 से 14 घंटे तक ये ढक के रखेंगे, उसके बाद इसको यूज़ करेंगे। तो आज हम मेथी के लड्डू बनाने की तैयारी कर रहे हैं। मेथी के लड्डू बनेंगे आज, और उसके लगने वाली ये सारी सामग्री। तो ये जो हमने रात में दूध और मेथी भिगोई थी वो कुछ इस तरह से हो गई है। इसको अब ऐसे खोल लेंगे, और उसके बाद तो ये हमने 1 किलो मेथी का आटा और 1 किलो गेहूं का आटा अच्छे से भून लिया है, इसको साइड में रखेंगे। ये 2 किलो गुड़ लिया है हमने, इसको अच्छे से कूट लेंगे, ठीक है। और फिर आइए, ये हमने लिए हैं 1/2 किलो काजू, 1/2 किलो बादाम और 1/2 किलो अखरोट, ये सब भी हम भून के और कूट लेंगे। ये 250 ग्राम गोंद है, इसको फ्राई कर लेंगे। और किशमिश 1/2 किलो, 1/2 किलो अंजीर, इनको भी हम लास्ट में सेक के और काट लेंगे। और ये 1/2 किलो मखाने हैं, इनको भी हम फ्राई करके टुकड़े कर लेंगे। और ये हमने 1 किलो नारियल घिस के और सेक लिया है। ये 1 किलो छुआरे, इनको हमने गुठली निकाल ली, अब इसको भी हम कूट लेंगे। और ये है 100 ग्राम चिरौंजी, 100 ग्राम खसखस, और ये है सॉल्ट 4 चम्मच। ये हो गए मखाने सीख गए, ठीक है। किशमिश को भी विदाउट घी सेकें। खसखस, तो ये हमने घी गरम करने रख दिया है बिल्कुल धीमी आंच पे। गोंद को हमेशा बारीक करके और फिर ही फ्राई करें, वरना वो अंदर से फ्राई नहीं होगा। देखिए तो हमने ये
गेहूं और मेथी का आटा भून लिया है और ये छुहारे मैंने खलबट्टे में कूटे हैं, क्योंकि मुझे मिक्सर में वो टेस्ट नहीं आता जो खलबट्टे में होता है। ये सारी चीज़ें हम तड़का डाल लेंगे। ये नारियल, ये मखाने दरदरे कर लिए मैंने खलबट्टे में, और ये अंजीर और किशमिश मैंने काट लिए है बारीक। सॉरी, इसमें एक रह गया है। और ये जो गोंद है इसको बारीक नहीं करना है, बस हाथ से हल्का ऐसे छोड़ देना है, क्योंकि ये जब लड्डू खाते टाइम दांतों के बीच में आएगा ना, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और ये काजू बादाम वगैरह भी मैंने दरदरा कूट लिया है। ये सब हम बहुत अच्छे से मिला लेंगे। ये गुड़ हमने चूर के और इसको भगोने में डाल दिया है, गैस चालू कर दिया है। और ये हमने जिस पैन में गोंद फ्राई किया था उसी पैन में घी गरम कर लिया है। ये हमने 1 किलो घी इसमें डाल दिया। अब इसको लो आंच पे अच्छे से गरम करेंगे, और इसको इतना ही गरम करना है कि गुड़ पिघल जाए। हमें गुड़ की चाशनी नहीं बनानी है, बस गुड़ को मेल्ट करना है। ये हमारा गुड़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया है। देखिए, जब गुड़ ऐसा हो जाए और उसमें एक भी डला ना बाकी रहे, पूरा गुड़ पिघल जाए, बस फिर इसके बाद में हम मिश्रण में डाल देंगे। इसकी चाशनी वगैरह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, अब हम ये इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। और हमारी जितनी भी सामग्री ली थी बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए, जब तक इस तरह से मिल ना जाए, अच्छे से मिलाते रहिए। बस अब लड्डू बनाएंगे फटाफट। आपको जिस साइज में चाहिए आप उस साइज में बनाएं। इस तरह से ही लड्डू बनाएंगे, और मैं इस साइज़ के बनाती हूँ, आप आपकी चॉइस के हिसाब से बनाइए, है ना इजी। तो ये लीजिए, हमारे सारे लड्डू बनकर तैयार है। और हाँ, अगर आपको बनवाने हैं तो मैं ऑर्डर पे लड्डू भी बनवाती हूँ।